ज्यादातर खिलाड़ी अपने खेल की वजह से जाने जाते हैं, पर बहुत कम ऐसा होता है जब कोई खेल खिलाड़ी की वजह से नए मुकाम छूता है। आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात करने जा रहे हैं जिनके आने के बाद क्रिकेट का अंदाज ही बदल गया। उनके आने से पहले जो ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे वो क्रीज पर टिका करते थे, धीरे धीरे रन रेट को बढ़ाया करते थे, पर इनका मानना था कि पहली बॉल से ही गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया जाए। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्हें हमने कई नाम दिए, जैसे कि नवाब ऑफ नजफगढ़ या सुल्तान ऑफ मुल्तान। भारतीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट के चमकते सितारे वीरेंद्र सहवाग, आज उनका जन्मदिन है और ये वीडियो हमारी तरफ से उनके लिए एक प्यार भरा तोहफा है। नमस्कार, मैं स्निग्धा भामिक हूँ और मैं बैंगलोर की निवासी हूँ। मैं वीरेंद्र सहवाग की बहुत ही बड़ी प्रशंसक हूँ और उनकी बैटिंग का स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद है। बॉल देखो और मारो, यही वीरेंद्र सहवाग की सफलता का मंत्र था और इसी मंत्र को अमल करके उन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में पारी की शुरुआत की अंदाज ही बदल दिया। मैच की स्थिति चाहे जैसे भी हो, सहवाग की बल्लेबाजी का स्टाइल कभी नहीं बदला। सन 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली ट्रिपल सेंचुरी मुल्तान में सकलेन मुश्ताक के बॉल पर छक्का मार के पूरी की। वीरेंद्र सहवाग जी को उनके जन्मदिन पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिकेट के फैंस में दो बातें बहुत चर्चित हुआ करती थी, एक तो ये कि भाई सचिन ने कितने बनाए और दूसरा सहवाग की बैटिंग देख लेते हैं फिर चलते हैं। वीरू की बैटिंग सबके लिए मनोरंजन का एक सूत्र बना, उनकी बैटिंग देख के मजा आता था। लेकिन यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी रातों रात कामयाब नहीं होता, उसके पीछे कम से कम 10, 15 या 20 साल की मेहनत होती है। चैंपियन वो होता है जो उस समय प्रैक्टिस करे जब उसे कोई देख ना रहा हो, या यूं कहिए जब सब सो रहे हो। शुरू शुरू के दिनों में जब वीरू खेलने जाया करते थे तो उनके पास एक बहुत बड़ा क्रिकेट के किट का बैग हुआ करता था। अब वो बस से जाया करते थे और बाकी यात्रियों को बहुत परेशानी होती थी। वीरू ने अगले दिन से बस से जाना छोड़ दिया और पैदल ही बैग लेके अपने प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। इसी मेहनत की मैं बात कर रहा था। जैसे ही उनके कोच अमरनाथ शर्मा ने उनको अपने अंडर लिया तो वो उनकी बैट के पीछे रेत से भरी हुई थैलियां बांधते थे। उस भारी बैट से खेल खेल के वीरू की बाजू और कलाइयां ऐसी मजबूत हुई कि करियर में आगे जाके उन्होंने चौकों और छक्कों से भरी हुई बहुत लंबी इनिंग्स खेली और हमें लगता था कि वो कितनी आसानी से ये सब कर लेते हैं। ये सब जानने के बाद हमें हैरानी नहीं होती जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर खुद कहते हैं कि मुझे वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग देखने में बहुत मजा आता है, या विश्व के सबसे ज्यादा विकेट टेकर मुरलीधरन कहते हैं कि एक बल्लेबाज जिनको गेंद फेंकते समय उन्हें बहुत तकलीफ होती थी वो थे वीरू। नमस्कार दोस्तों, मैं नव किशले आज आपके सामने एक बड़ी रोचक तथ्य लेकर आया और इस तथ्य के किरदार है, मेन किरदार जिसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, वो है हमारे सुल्तान ऑफ मुल्तान वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें प्यार से हम वीरू भाई बोलते हैं। तो हुआ ये कि टेस्ट क्रिकेट खेलने से पहले वीरू भाई 30 एक दिवसीय मैच खेल चुके थे और उन्होंने अपना सिक्का वहाँ जमा लिया था। उनके आलोचक और उनके प्रशंसक हमेशा ये कहते थे कि वो एक धुआंधार एक दिवसीय बल्लेबाज है, पर सबका ये मानना था कि उनके बल्लेबाजी में तकनीक की कमी की वजह से वह एक टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज नहीं हो सकते, वहाँ उनको सफलता नहीं मिलेगी। पर इन सब के विपरीत, इसके बावजूद सहवाग उस एक मौके की तलाश में थे कि वो जिससे कि वो अपने आलोचकों को चुप करा सके, उनको जवाब दे सके और अपने प्रशंसकों को एक और कारण दे सके कि वो उनके ऊपर खुश हो सके। पर वो मौका मिला दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक टेस्ट प्लेयर की तरह उनका डेब्यू हुआ और नंबर 6 पर उन्होंने बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए एक शतक भी जड़ा, शानदार शतक।
और उस शतक से उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बने हैं और उनके पास हमेशा से वो सारी तकनीक और काबिलियत मौजूद है जो कि उनको एक अच्छा टेस्ट बल्लेबाज कायम कर सकता है। तो ये हमारे वीरू भाई, एकदम डैशिंग, डेयरिंग। आज मैंने आपको ये तथ्य और ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि आज हम वीरू भाई का जन्मदिन मना रहे हैं और मैं उनको अपनी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। सारे देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वीरू भाई, आप यूं ही मुस्कुराते रहे, आपने हमेशा हमें एंटरटेन किया है, आपने हमेशा हमारे देश का झंडा ऊंचा रखा है, हमारा सीना चौड़ा रखा है। भारतीय क्रिकेट में हमेशा से ही अच्छी टेक्निक से खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग मैच को जिताने वाली इनिंग्स का एक दौर लेके आए। टेक्निक भी अच्छी, लेकिन टेक्निक वो जो मैच जिताने के काम आए। उनके खेलने का स्टाइल ऐसा था जिसमें एक अच्छी स्ट्राइक रेट और एक अच्छी कंसिस्टेंसी की जरूरत थी। उनका कहना था कि बॉल देखो और मारो, 10 में से अगर 8 बॉलें भी अच्छी पड़ गई, 2 खराब भी हुई तो क्या हुआ, नतीजा तो अच्छा ही निकलेगा। वीरू के इस खेलने के तरीके में हम सबके लिए एक सीख है, मौका आने पे फैसला करने से चूकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। वीरू से कई बार पूछा गया कि वो अपने आप को तनाव भरे इस माहौल में शांत कैसे रखते थे, वो अपने मानसिक संतुलन पे काबू कैसे करते थे। वीरू ने कहा कि मैच खेलते समय वो गाना गाया करते थे। जी हाँ, क्रीज पे वीरू 309 वाली इनिंग्स में भी गाने गाया करते थे। तो आइए वो गाना सुनते हैं जो वीरू मैच के दौरान बहुत बार गुनगुनाया करते थे। और इस गाने को बनाने वाले वो दो शख्स भी ऐसे थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगीत की सारी रिवायतों को तोड़कर ऐसा काम किया कि आज भी युवाओं में इनका संगीत बहुत मशहूर है। किशोर कुमार और आरडी बर्मन का वो गीत जो वीरू मैच के दौरान गाया करते थे। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम। ये लहराती डगरियां हो तो फिर क्यों ना रहूं मैं बेका बेकार। मेरी जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देश के मनोबल के लिए वीरेंद्र सहवाग आत्मविश्वास से भरे एक खिलाड़ी के तौर पे उभरे। चाहे ग्राउंड कोई भी हो, ऑडियंस कोई भी हो, होम ग्राउंड हो या बाहर, वीरेंद्र सहवाग ने एक जैसा प्रदर्शन किया। इसीलिए 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम या 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के वो एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। 2004 में मुल्तान में जब वो पारी खेल रहे थे तो 295 रन पे थे, उनके सामने सचिन तेंदुलकर थे। वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अगली बॉल पे एक छक्का मारूंगा। तेंदुलकर ने कहा यार तुम पागल हो गए हो, 295 पे हो, 300 तक पहुंचना है, आराम से खेलो। सहवाग ने कहा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सकलीन मुश्ताक की अगली बॉल पे वीरू ने आगे बढ़ के छक्का लगाया और ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले वो पहले भारतीय बने।
कहते हैं ना कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। नमस्कार, मैं शर्मिष्ठा भौमिक बैंगलोर में रहती हूँ। मैं वीरेंद्र सहवाग की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मुझे उनका बैटिंग का स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद है। सन 2003 में जब सहवाग को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में चुना गया, तब क्रिकेट के कई महान पंडितों को इस बात पर बहुत चिंता थी। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट और बाउंसी विकेट पे सहवाग को रन बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। सहवाग ने यह चुनौती स्वीकार की और मेलबोर्न में पहले ही दिन खेलते हुए उन्होंने 233 बॉल पर 195 रन बनाए और आउट हो गए। खेल के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, क्या उन्हें इस बात का दुख है कि वे डबल सेंचुरी नहीं बना पाए। सहवाग ने अपने हैप्पी गो लकी स्टाइल में जवाब दिया कि उन्हें इस बात का कतई दुख नहीं, बल्कि उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एमसीजी में एक दिन के खेल में सबसे अधिक रन बनाकर विवियन रिचर्ड्स के रिकॉर्ड को तोड़ा था। यही है हमारे वीरेंद्र सहवाग। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें अनेक अनेक बधाइयां देती हूँ। वीरू के खेलने के अंदाज से लगता है कि वो कई बार क्रीज पर गाते होंगे, आने वाली बॉल जाने वाली है, हो सके तो इसी में चौका लगा लो, बॉल जो ये जाने वाली है। 2017 में आरडी बर्मन के जन्मदिन पे वीरू ने उन्हें याद किया और उनके इसी गाने के बारे में ट्वीट किया। सबसे अच्छा दिन है और जो तुम चाहोगे आज वही होगा। सहवाग जब फील्ड के अंदर आए फिर से खेलने के लिए, आसमान में उन्होंने देखा और भगवान से बोला कि अगर ये बात सच है तुला राशि की, तो आज साउथ अफ्रीका को पूरे दिन भर में तब प्रॉब्लम होने वाली है। और उस दिन सहवाग ने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी बनाई फॉर इंडिया, जो कि आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसे थे हमारे सहवाग। दो बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने के बाद वीरू की गिनती
विश्व के सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ियों में हुई। कहते हैं ना कि अ मैन इज नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स, और इस रिकॉर्ड में उन्हें कंपनी दे रहे हैं खुद सर डॉन ब्रैडमैन और ब्रायन लारा। कैसे बताएं क्यों तुझ चाहे लारा। Wept and wept well. Terrific shot. कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने नमस्कार, मैं अनुजा मुदूर आज आपके साथ कुछ बातें करना चाहूंगी। हम सब यहां आज इसलिए मिले हैं कि हम जाने माने क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बारे में कुछ विचार, कुछ एहसास शेयर करें। वीरेंद्र सहवाग एक बहुत बेहतरीन टीम प्लेयर थे। मुझे याद है सन 2008 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 199 स्कोर होते हुए भी आसान सिंगल लेने से इनकार कर दिया था। भारत ने 9 विकेट गवाए थे और दूसरी ओर उनके साथ ईशान शर्मा खेल रहे थे। उस समय सहवाग को अपनी टीम की भलाई के लिए ईशांत को श्रीलंका के मुरली से बचाना ही था, और इसलिए उन्होंने वह सिंगल लेने से इनकार कर दिया। उस पारी में सहवाग श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में डबल शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने, और सुनील गावस्कर के बाद पूरी पारी में बल्लेबाजी करने वाले और नॉट आउट रहने वाले दूसरे भारतीय बने। इसी कारण मैं गावस्कर और सहवाग दोनों की प्रशंसक हूँ। ऐसे महान और लोकप्रिय टीम प्लेयर वीरेंद्र सहवाग जी को आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। देश के आत्मविश्वास को ऊंचाइयों तक पहुंचाना और खेल खेल में हमारा मनोरंजन करना, तनाव कितना भी हो अपनी मौज को कायम रखना, मेहनत, हिम्मत और मौके का अद्भुत संगम है वीरेंद्र सहवाग। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं वीरू। Thank you.